उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार यानी कल मतदान होने हैं। इसके लिए रविवार को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में छात्रों का हुजूम देखने को मिला। बताया जा रहा है कि यह सभी छात्र कल होने वाले मतदान के लिए अपने घर जा रहे हैं। छात्रों की भीड़ का यह वीडियो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार को घेरा। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि 5 साल नौकरी का बॉन्ड इंतजार होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने के लिए इनकलाब होगा। भाजपा के खिलाफ वोट डालने का संकल्प लेकर इलाहाबाद से रेल भर भर कर पूर्वांचल जा रहे छात्र अब अगले 5 साल नौकरी का इंतजार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कई और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें छात्रों ने जय अखिलेश के नारे भी लगाए हैं। अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि सातवें और अंतिम चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही तथा सोनभद्र जिलों में होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है और पोलिंग टीम गंतव्य पर पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि चंदौली के चकिया सू तथा सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज सू में मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा, जबकि अन्य 51 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्धारित अवधि के बाद भी कतार में खड़े लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा।